अमृता किचन में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं कोल्ड कॉफ़ी, जो कि 2 से 3 मिनट में आप इजीली घर पे बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको बनाने की विधि और किस किस चीज़ों की किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है हमें। हम यहाँ पे एक जार लेंगे, मिक्सी जार लिया है हमने, और ये हमने फुल क्रीम दूध लिया है 1 ग्लास, और हम फुल क्रीम दूध इसमें डाल देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे एक छोटी कटोरी जो है गर्म पानी लिया है, आप देख सकते हैं इसमें धुआं निकल रहा है। और ये हमने ये छोट स्पून जो है हमने ये वाला ये हमने 2 स्पून यहाँ पे चीनी ली है, और ये हम यहाँ से आधा स्पून जो रहेगा वो हम इसमें कॉफ़ी ऐड करेंगे चीनी में। और ये जो गर्म पानी लिया है इसको हम चीनी में डाल देंगे, ताकि हमारा चीनी और कॉफ़ी जो है उसका घोल अच्छे से रेडी हो जाए। ये हमारा पानी चीनी और कॉफ़ी का जो घोल है वो रेडी हो गया है। तो जो हमने मिक्सर में अभी जग में हम लोगों ने दूध डाला है, फुल क्रीम दूध, उसमें हम ये हमारा जो मिक्सर है मिक्सरन है हमारा कॉफ़ी वाला, ये ऐड कर देंगे। और 2 मिनट तक हम मिक्सी को चलाएंगे। अब हम मिक्सी स्टार्ट करेंगे और 2 मिनट तक इसको चलाएंगे। हमने 2 मिनट इसको चला लिया है, देखते हैं कैसी दिख रही है। वाओ नाइस, देखिए झाग आ गई है, फुल क्रीम दूध लिया था हमने। और अब हम इसमें थोड़ी सी बर्फ़ ऐड करेंगे, जिससे कि हमारी जो कोल्ड कॉफ़ी है वो और ठंडी बने। तो इसके लिए हम ज़्यादा नहीं 2 चम्मच बर्फ़ ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमने दूध लिया था तो बहुत ठंडा दूध था। हमने इसमें बर्फ ऐड कर दी है और अब हम इसको आधा मिनट और चलाएंगे। देखते हैं कॉफ़ी, देखिए कॉफ़ी हमारी बन के रेडी है, अब हम इसको ग्लास में सर्व करेंगे। और हम इस ग्लास में सर्व कर रहे हैं, देखिए इस ग्लास में हम सर्व करेंगे। और ये हमने लिया है चॉकलेट शेप लिया है हमने, ये इसको इससे हम ग्लास गार्निशिंग करेंगे। तो देखिए हम ग्लास के चारों तरफ जो है चॉकलेट सिरप डाल देंगे, जिससे हमारा ग्लास जो है देखने में अच्छा लगेगा। चॉकलेट सिरप अच्छे से फैला देंगे, इससे टेस्ट भी एनहेंस होता है, टेस्ट बढ़ता है इसका। थोड़ा सा हमने देखिए नीचे फैलाया है चॉकलेट सिरप। और अब हम इसमें कॉफ़ी डालेंगे। देखिए कितनी गाढ़ी गाढ़ी कॉफ़ी बनी है, आप देख रहे हैं। हल्का सा चॉकलेट सिरप जो हम इसके ऊपर डालेंगे, डिज़ाइन के लिए। आप चाहें तो इसमें कटे हुए बादाम भी डाल सकते हैं सजाने के लिए। देखिए दोस्तों, हमारी जो कॉफ़ी है वो बन के रेडी है। कोल्ड कॉफ़ी हमने घर पे बनाई है, जैसे कि हमने 2 से 3 मिनट में ही रेडी हो जाती है, तो आप इजीली इसको घर पे बना सकते हैं।